हेलो, वेलकम टू माय पमार फैमिली ब्लॉग। और आज भाई बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहे हैं। आज हम आए हैं गांव में और भाई गांव का नज़ारा देखो भाई, बड़ा मस्त है। बहुत दिल लगता है यहाँ गांव में, मज़ा आ रहा है भाई बहुत। वाह भाई भाई, गांव की ज़िंदगी है अलग जो बात है, बहुत ही मज़ा है गांव में, इसलिए गांव का भी आनंद लेना चाहिए। काफ़ी दिन बाद टाइम लगा है, वो भी आज छुट्टी है इसलिए टाइम लगा है गांव में आने का। तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है, देखो भाई ये डंगर खड़े हैं। चलो अभी दिखा। तो भाई मौसम बहुत मस्त है जो बात है, मज़ा आ रहा है। तो भाई हम आ गए हैं रायपुर खानका, आज छुट्टी का मज़ा रायपुर खानका से ले रहे हैं। यहाँ पे हमारे हजरत जी, जो बड़े हजरत हैं, उनका तो इंतकाल हो गया था, अब दूसरे हजरत जी हैं वो रहते, उनके लिए आए अब हजरत जी के पास दुआ के लिए। चलो दिखाते हैं आपको रायपुर खानका। रायपुर खानका है भाई, ये होटल है सब यहाँ पे, खाने वाने बंद हो गया। हथनी कुंड बैराज नहीं, ये हिमाचल की पहाड़ी है, यहाँ चारों वे मिल जा बॉर्डर, हिमाचल उत्तराखंड हरियाणा और यूपी। शिवालिक की पहाड़ी तो वहां है प्याड़ीगढ़ में, इधर ये इधर इसकी उत्तराखंड की दिख रही पहाड़ी है उत्तराखंड। और ये है जमुना है ना, ये भाई जो बड़ी जमुना है, ये जा रही भाई बड़ी जमुना है ना, जो वहां को जा रही करनाल दिल्ली, ये वो जमुना है यहाँ से जा रही हो। इसका जो मेन रास्ता है ना वो भी देख ही देख, हाँ वही है वो जो तुम्हारे राणा माजरों को निकल रही है, मेन जमुना यहीं से जा रही हो, यहाँ से इलाहाबाद तक जा रही है। हाँ इसका जहाँ इलाहाबाद में संगम है ना, वो उसमें नहीं भाई हम तीनों जहाँ जगह मिल रही है गए उसके संगम पे, वाकई में कलर अलग है पानी का, तीनों का कलर अलग है जी। हाँ। तीनों कलर देखा हमने उस टाइम कुश्ती में गए हम, पानी तो जहाँ भी मिले ना वहाँ से कलर अलग रह ही रहा है वो। हाँ। है देखो वो पुल, हाँ एक तरफ से कदनी कैसी है एक तरफ से कैसी। तो भाई अभी हम पहुँचे हैं हथनी कुंड बैराज, आज छुट्टी का दिन है, आज हथनी कुंड बैराज का आनंद लेने आए हैं। पहले रायपुर गए, रायपुर खानका से हथनी कुंड बैराज गए, देखियो आज हमारे ब्लॉग में है भाई। ब्लॉग में कौन कौन है आज? मैं डॉक्टर आसिफ लड़ा गुज्जर। और भाई आप दुसरान चौधरी देवगन। हाँ भाई फैसल भाई। और भाई ये हमारे डॉक्टर फैसल जो काफ़ी दूरी से आए हैं टपराने से, हथनी कुंड बैराज घूमने इनकी ख्वाहिश थी, ये शायद पहली बार है लाइफ में यहाँ पे घूमने के लिए। नहीं पहली बार लगा आपको? पहली बार मुसराना है। ये कैसा लगा है आपको जैसे आप आए हो हथनी कुंड घूमने, कैसा लगा है? ये हमारे मामा श्री हैं। अरे मामा याद आओ। नहीं नहीं तो भाई आज बहुत मज़ा आया है भाई हथनी कुंड बैराज। ये यहाँ हम खड़े हैं हरियाणा बॉर्डर पर, इधर यमुनानगर है, यमुनानगर से आते हैं सब यहाँ। और इधर जो है ये यूपी, यूपी से एंट्री इधर से है।
और भाई आज ये दिखाते हैं आपको पानी की आवाज़, कितनी पानी की आवाज़ है ये देखो भाई, आ रही है ना पानी की आवाज़। ये हमारे हथनी कुंड चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जो है। तो भाई अब चलते हैं घर। तो भाई ये देखिए पानी, तो बोलते हैं हथनी कुंड बैराज, ये देखो भाई पानी किधर, ये एक नहर जा रही है हरियाणा में, केवल इधर ही पानी छोड़ रखा है, तो उधर भी पानी है। आ जाओ चलो आ जाओ, हमारी गाड़ी आ रही है पीछे पीछे। ये देखो भाई कितनी आवाज है पानी, अब यहाँ जाल लगा दिया पहले। अच्छा बहुत खतरनाक आवाज है भाई पानी की, जो आवाज देखो भाई पानी पानी तो पानी होता है, एक ही गेट खोल रखा है बस पानी का है ना, इससे काफी आवाज आ रही है पानी। बस बस कोई नहीं चल ले बस घर चलो, चलो भाई चलते हैं। ये देखो भाई यहाँ से चारों तरफ पानी पड़ रहा है, अब यूपी में आ गया मैं ना, उधर हरियाणा में थे बैक साइड में, यूपी एंड हरियाणा है लेकिन उस साइड में ज्यादा भीड़ है, इधर भीड़ नहीं है ज्यादा, यमुनानगर के बंदे ज्यादा आ रहे आज यहाँ के बाद। भाई पानी की बहुत जबरदस्त आवाज है यहाँ। तो भाई हम आ गए हथनी कुंड से बाहर, ये देखो भाई यहाँ से जाती है सहारनपुर गाड़ी राज्य वाले से, ये सहारनपुर के लिए गाड़ी चलती है यहाँ से, सहारनपुर पड़ता है यहाँ से लगभग आगे लग रहा है किलोमीटर का बोर्ड है ना 15-40 किलोमीटर सहारनपुर पड़ता है जी यहाँ से। पानी की आवाज देखो भाई ताज़ावाड़ा, एक गेट खोल रखा बस पानी का इन्होंने है ना, एक दरवाजा खोल रखा बस, दो खोल रहे। यहाँ का नजारा क्या जबरदस्त है, अब यहाँ दीवार बनने लग रहा है द्वार, ये शायद यूपी द्वार बोल लेंगे इसे ना, पता नहीं क्या लिखेंगे इस पर, अभी तो नया नया काम है। तो भाई अब चलती हैं सभी, आ जाओ आगे रस करा रहे, इतने में रस पियेंगे चलो भाई आगे है ना रस वाला खड़ा, सोचा यार रस भी पी लो भाई, जो है घूम लिया है हमने और हम अभी से 50 मीटर की दूरी पे एक रस की ठेली हमें नजर आई है, अब रस पीने के लिए चलते हैं, डॉक्टर फैसल की तरफ से पार्टी है आज।
रस पार्टी नहीं नहीं, ये तो गलत। हमारे मामा जी वैसे पहले ही जा चुके हैं रस पार्टी, तुम्हारी तरफ से है भाई जो बात है। और डॉक्टर फैजल साहब कैसा लगा है आपको इधर आके, हमारी हवा कैसी लगी है? नहीं नहीं बताइए अपने लफ्जों में। हाँ नहीं बोलना चाहिए भाई, फैसल बोल बताए कैसा महसूस, कैसी डॉक्टर फैसल आप बताओ। डेर लग रहा है, फीलिंग कैसी आई है? फीलिंग फीलिंग अच्छी है, बढ़िया है ना माशाल्लाह। ये हमारे रिश्ते में साटू साहब लगते हैं जो कि पहली बार टूर पे आए हैं हमारे साथ। हमारे आसिफ भाई तो हम तो पहले भी घूम चुके हैं लेकिन टूर पे पहली मतलब आए हैं, पहली बार हमारे साथ आए फैसल डॉक्टर फैसल। और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही आते रहेंगे, ठीक है। अगला टूर जो है इंशाल्लाह ईद के बाद होगा इंशाल्लाह। रस बना रहे हैं भाई, रस पीएंगे भाई, रस बना दो बढ़िया सा, ठीक है। वो दिन ना भी दिन नहीं आपके पास, वो दिन ना नहीं है, वो दिन ना बना डाल के बना के बढ़िया सा कह दिया मम्मा जी। लो भाई बर्फ नहीं गिरवाया हमने, बर्फ कम करवा रखा, कम जो तो भाई बर्फ नहीं, बर्फ नहीं, बर्फ है मम्मा ने लड़के गिरवाया बर्फ। रस पी लिया है अब चलो, चलो भाई इंतजार कर रही है, चलते हैं उसको देखते हैं चल के। तेरे सारे मामी इंतजार कर रही है, मामी इंतजार कर रही भी है, आए नहीं भाई, आने तक ठंडे हो जाएगा तो जाएगी। तो भाई अब ड्राइविंग जो कर रहा भाई मुसरान, आते भाई रोड ट्रैफिक ना करी थी, आ गए भाई मुसरान में भाई। आहिस्ता चलाइयो गाड़ी जैसे आसिफ ने चलाई थी, ठीक है, ज़्यादा तेज नहीं भाई। आज का सफ़र बहुत बढ़िया रहा, तो भाई अब खाना स्टार्ट करते हैं, पहुंच गया घर। आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, तो भाई हमारा फैमिली व्लॉग आज का यहीं समाप्त करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।